ये बातें बहुत ही पर्सनल हैं, लेकिन इस बातों के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको इतनी बातें खुल के नहीं बताते हैं। अगर आप उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो अंडे की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए बोल सकते हैं, उसकी साइज़ को बड़ा करने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, या जितनी भी कमी आपकी रिपोर्ट में आती है उसके अकॉर्डिंग आपकी दवाइयाँ चलती हैं। लेकिन जब आपका फर्टाइल डेज आता है तो डॉक्टर सिर्फ आपको यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस टाइम पर आपको साथ रहना है, लेकिन कोई आपको डीपली इतनी खुल के ये सारी बातें नहीं बताता है। ऑब्वियस बात है कि आपका पर्सनल मैटर है, उसमें किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हिंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अगर पति पत्नी इन चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखते हैं तो उनका गर्भधारण होना काफ़ी आसान हो जाता है, और ये जो प्रोसेस जो लंबी खिंच रही है वो थोड़ा सा जल्दी उनका गर्भधारण हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस मैमल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जब कभी इस तरह की बातें आती हैं कि आपका फर्टाइल डेज आया हुआ है और इस टाइम पर आपको रिलेशन प्लान करना है, तो नंबर वन चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आपको आपके प्राइवेट मोमेंट किस तरह से आपके प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय करना है, वो आपके कंसेंट, पति और पत्नी दोनों की कंसेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि आपको बेबी प्लानिंग करनी है, आपको सर पे एक स्ट्रेस आ रहा है कि बेबी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, काफ़ी सालों से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से अगर आप रिलेशन में जा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत अपने पार्टनर के साथ भी कर रहे हैं। ये टाइम आपके लिए काफ़ी प्राइवेट होता है, इस टाइम पर आप दोनों की सहमति होना और एक राजी खुशी और एक सुख का अनुभव होना ज़रूरी होता है। इसको आप स्ट्रेसफुल इस चीज़ को मत बनाइए। अगर जहाँ पर स्ट्रेस इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर हार्मोन गड़बड़ होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि कई बार अगर हार्मोन का ही सारा खेल आपकी प्रेगनेंसी में दिखाई देता है तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस से दूर रहेगा उतना आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी और आप एक दूसरे को समझ पाइएगा, क्योंकि कई बार सिर्फ पति का काम या पत्नी का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता है बल्कि एक दूसरे का साथ होता है। तो एक दूसरे का साथ को एंजॉय करिए सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों की कंसेंट ज़रूरी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी अगर आपको बोझिल लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रही हैं, तो आप अपने बीच में थोड़ा सा एक पर्सनल कनेक्शन को और इस्टेब्लिश करिए, जिससे कि आपके बीच में जितनी भी दूरी आई हुई है उसको कम्प्लीट करना ज़रूरी है। अब चाहे आप इसके लिए समय ले लीजिए, 2 महीने 4 महीने, इतने देर सही तो 2-4 महीने और सही, लेकिन अपने बीच के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करिए और जब आपसी सहमति आपका बनेगा उसके बाद ही आप रिलेशन के बारे में सोचें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पुरुषों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी पत्नियों को अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि अगर वो समय देते हैं और पत्नियों की कद्र करते हैं तो उस टाइम पे जिस टाइम पे आप मीटिंग में होते हैं महिला के शरीर से कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जिसका निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी एक खास पीएच होती है। उस पीएच में जितने भी मेल के सेल्स होते हैं उनको काफ़ी आसानी मिलती है, उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उनका गर्भधारण हो जाए। तो इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। वहीं पर अगर मैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो ड्यूरिंग मेटिंग, जब भी अगर आप रिलेशन में होते हैं उस टाइम पे महिला जो पार्टनर होती हैं उनकी कमर के नीचे 2 पिलो को ज़रूर रखें, ताकि आपको जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए एक कम समय, बहुत ही कम समय लगे, जितने कि मिल्क सेल अधिक से अधिक मात्रा में फैल्यूपियन ट्यूब तक पहुँच कर एग को फर्टिलाइज कर दें। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने से जितनी भी पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का ही वक्त लगता है जो मेल के सेल्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी से और तेज़ी फीमेल पार्टनर के बॉडी में पहुंच के एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी अगर आपका रिलेशन प्लान होके हो जाए तो लेग अप द वॉल पोजिशन आपको ज़रूर ट्राई करनी है। जो महिला होती हैं उनको किसी दीवार के सहारे अपने पैर को खड़ा करना है, या फिर आप किसी भारी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों को टिका के आप रख सकते हैं। तो इस तरह से करने से ये चांसेस ये बनते हैं कि आपकी गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि कुछ समय आपको इस टाइम पे देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होता है। मेरी बहुत सारी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट ये आता है कि उनको लेग अप द वॉल पोजीशन की वजह से उनको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हुआ है, क्योंकि वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन उन्होंने सिर्फ ये ट्रिक को फॉलो किया और उनका गर्भधारण हुआ। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक वर्क करती है, तो लेग अप द वॉल पोजीशन को आपको नहीं भूलना है। वहीं पर अगर मैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट आपको वहां इस पोजीशन पे ज़रूर रहना है। इस टाइम पे आप बाथरूम वगैरह ना जाएं, बाथरूम जाना आपके लिए इसके बाद के लिए सही होता है, इस ड्यूरेशन में आप बाथरूम को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं पर अगर जिन महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जो मेल के सेल्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं
और उनको लगता है कि लेग अप द वॉल पोजीशन मैंने ट्राई किया, फिर भी जो मेल के सेल्स हैं वो आउट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कितनी भी लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो महिला की पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है कि वो मेल के सेल्स को आउट होना ही होता है, वो बट नेचुरल सी बात है, ये 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सब तो आउट हो जा रहा है फिर भी आपका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे केस में आप मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको जैसे पीरियड के समय में मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से रिलेशन के तुरंत बाद मेंस्ट्रुअल कप भी इस्तेमाल कर लीजिए, तो बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी और आपके मन की ये शंका खत्म हो जाएगी और जल्दी से जल्दी गर्भधारण करने के लिए आपको ये सारे टिप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर ये बातें आपको समझ में आई, अगर आपको चीज़ें समझ में आई और बहुत सारे टिप्स तो काम आए हुए हैं, तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर ना करें और इसको अपने डेली लाइफ में ज़रूर अपना के देखिए। डेफिनेटली आपका भी जल्दी से जल्दी गर्भधारण होगा, आपका गर्भधारण जल्दी हो जाए, बस इसी दुआ के साथ अब ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रिंस माई वर्ल्ड।